जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो ना, तो आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनालिस कुकिंग हब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रबड़ी मालपुए की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 लीटर मिल्क, जो नॉर्मल रोज घर में आता है ना, वही वाला मिल्क है। मैंने कोई यहाँ पे फुल फैट मिल्क का यूज़ नहीं किया है, लेकिन आप कर सकते हैं। तो पहले मैंने इसे हाई फ्लेम पे बॉईल कर लिया, फिर मैंने फ्लेम को मीडियम करा और थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसे चला दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें इसे रिड्यूस करना है और इसका रबड़ी बनाकर तैयार करना है। रबड़ी बनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसे आप गैस के एक साइड पर रख के इसके साथ साथ दूसरी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रबड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलते हैं चाशनी बनाने। चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप पानी, फिर इसमें डालेंगे 1.5 कप चीनी। आप अपने घर के नॉर्मल टी कप्स का यूज़ कर सकते हैं इसके मेजरमेंट के लिए। इसे थोड़े थोड़े देर में इस तरह से चलाना है और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए ना, इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देना है 2 कूटे हुए इलायची और थोड़े से केसर के धागे। अगेन इसे इस तरह से एक बार मिला देना है और थोड़ा सा बॉयल हो जाने देना है। जैसे इसमें उबाल आ जाए ना, इसे ढक देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब एक बड़े बाउल में डालेंगे 1 कटोरी मैदा, फिर इसमें डालने हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट में ना आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे किशमिश, काजू और सौंफ का यूज़ किया है। सौंफ कंपलसरी है, क्योंकि इससे इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा मिल्क और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे मिल्क का कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, बस इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसे कंटिन्यू मिक्स करते जाना है। इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अभी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल इतना ही पतला इसे घोलकर तैयार करना है। अब लेना है एक कढ़ाई, इसे अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। फिर इसमें डालना है रिफाइंड ऑयल, ऑयल को भी अच्छे से गर्म करना है। और गर्म होने के बाद फिर इसमें डाल देंगे 1 कलछी बैटर। पुए का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसे पूरी के साइज़ का बना रही हूँ इसलिए मैंने छोटे कलछी का यूज़ किया है। आप चाहें तो बड़े कलछी से इसे बड़ा भी बना सकते हैं। अभी मैंने फ्लेम को हाई रखा है और हाई फ्लेम पर ही इसे गोल्डन ब्राउन होने तक उलट पुलट के फ्राई कर लेना है। तो जैसे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ ना, आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से इसे दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं अभी ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो बस अब इसे निकालना है और निकालने के बाद इसे तुरंत डिप कर देना है चाशनी में। चाशनी में डिप करने के तुरंत बाद इसे निकालेंगे और हॉट पॉट में रख देंगे। सेम इसी तरीके से सारे पुए को बनाकर तैयार कर लेना है। इसे फ्राई होने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, हाई फ्लेम पर ही ना इसे फटाफट से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे भी फ्राई कर लिया है। अगेन इसे डिप कर लेते हैं चाशनी में, अच्छी तरीके से चाशनी में डिप करेंगे और फिर इसे भी निकाल कर हॉट पॉट में रख देंगे। अब इसे निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में। तो सबसे पहले आपको प्लेट में ना इसे इस तरीके से रखना है, उसके बाद इसके ऊपर से हम डालेंगे ये रबड़ी। तो रबड़ी ना ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी ना बिल्कुल परफेक्ट है। इसी कंसिस्टेंसी का रबड़ी हमको बनाना था। इसे ऊपर से मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम से। तो यहाँ पे बहुत ही टेम्पटिंग सा रबड़ी मालपुआ बनकर तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।